द्वापर युगर कहानी टीए पौराणिक काल जन ऋषि थे जहाँ नाम पराशर थी जिते बड़े से जान ले कि पिता मृत्यु राक्षस मान द्वारा होार प्रतिशोध नेवाई चाहिए ऋषि पराशर साधना कर सिद्धि पाइबापी घंच जंगल भितरक जावाई बाहर जिते बसबूत धर्मपत्नी देखिले बहुत मन दुख करे कहले हे स्वामी आपण जंगल को तपस्या करने को जाऊँ किंतु मोर ये कौन हेबो मु किपरी रही सेतेबेले ऋषि तांको पत्नी को कहले तुम्हें व्यस्त हुवनी तुम्हें जो कथा चिंता करुछ मु बुझिपारुछी जंगल जीवापरे कहार हाथ में मोर शुक्राणु पठाइबी जहाँफल तुम्हें गर्भवती हो पार यह ऋषि सिद्धि प्राप्ति पर जंगल भितर को पलाइले किछि वर्ष तपस्या करने ऋषि पत्नी कथा मन पड़ा जे से शुक्राणु पठाइबे पत्नी को कथा देते सेतेबेले से शुक्राणु को एक औषधपत्र अश्वत्थपत्र रखी एक काऊ द्वारा पठाइले काऊ जिते बड़े शुक्राणु नहीं कि जाऊला काऊ उपर एक बाज पक्षी नजर पड़ा एवं से बाज पक्षी काऊ को खाईदेला जहाँ फल अश्वत्थ औषधपत्र एक नदी में पड़गला पानी रे पड़ा मात्रे एक बड़ माछ ऋषि पराशर शुक्राणु को खाईदेला जहाँफल माछटी गर्भवती होगला पुणी किछि दिन परे सेही माछटी एक धीबर जाल रे पड़गला धीबर माछटी को नहीं जेतेबेले काटिला माछर पेटर एक सुंदरी झीओटी बाहर जेहेतु झीओटी माछर पेटर जन्म नहीं शरीर माछर गंध होता से धीबर ता झीओटी नाम मत्स्यगंधा रखिथिला किछि वर्ष परे ऋषि साधना सारी घर को फेरुथिले सेतेबेले तांको जमुना नदी पार होबा एक धीबर आवश्यकता पड़ा एवं से ही धीबर घरे पहुँचिले जे कि तांको झीओर लालन पालन करुथिले सेतेबेले से धीबर भोजन करुथिले सेतिपाई से तार झीओ को ऋषि को नदी पार करै देबा कहिला बापांकर कथा शुणी झीओटी ऋषि को डंगारे बसाई नदी पार कराइबा को गला किंतु ऋषि पराशर मत्स्यगंधार सुंदरता एवं यौवन देखि मोहित हो गले एवं से सहित शारीरिक संबंध रखा चाहिए नदीर मझीरे ऋषि से ही कन्या को कहले कि मु तुम सहित संपर्क रखा चाहूँगी किंतु झीओटी ऋषि को कहला कि मु विवाह पूर्व का सहित संबंध रखा चाहेना एवं यह करिबा अपराध मध्य अटे किंतु ऋषि ताकु बारंबार बाध्य करिबा परे से राजी होइगला किंतु ऋषि आगरे से तीनोटी शर्त रखिथिले प्रथम शर्तटी होउची मु आपणक सहित संबंध रखिबा समय रे केही देखिबेनी सेथिपई ऋषि जमुना नदी मझिरे एक कृत्रिम दीप तयारी करिदेले द्वितीय शर्तटी होउची मोर कुमारित्व केबे भी नष्ट हेबो नाही सेथिपई ऋषि कहिले जे तुम्हें संतान जन्म करिबा परे पुणी कुमारी होइजीव तृतीय शर्तटी होउची मो शरीरु जो माछर गंध बाहरुची ताहा दूर हो जाऊ एवं मो शरीरु एक सुगंध बाहरु ऋषि ताहार शरीर दुर्गंध सुगंध रे परिणत करदेले एही प्रकार रे ऋषि मत्स्यगंधार तीनोटी शर्त पूरण करिले एवं ताहा सहित प्रेम संबंध रखिले एही संबंधर नौ मास परे मत्स्यगंधा एक पुत्र संतान को जन्म देले जार नाम कृष्ण द्वापायन थिला जे कि परे व्यासदेव नाम नामित हेले व्यासदेव होती श्री विष्णु को गोटे रूप बा अवतार एवं व्यासदेव अठर खंड पुराण लिखिथिले एवं शेषरे से भागवत मध्य रचना करथिले भागवत रे लेखा अछि विष्णुंकर 32 अवतार मध्य श्री व्यासदेव मध्य अन्यतम से ही मत्स्यगंधा पर हस्तिनापुर राजा शांतनु पत्नी हेले जे कि सत्यवती नाम नामित तो हेले कहानीटी आपन को केमिति लागिला निश्चिंत मतामत जनइबे एवं जदि ये कहानीटी आपन आगरु जानी थांती तेबे ता निश्चिंत मतामत जनइबे एही भली भलो भलो गप किंबा कहानी सुनिबा को चाहुतिले सनातन फैमिली सहित जोड़ी रही थांतु बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ।